दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 1996 में आई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म माचिस। इस फिल्म की मेन कास्ट में हमें चंद्रचूड़ सिंह, तब्बू, ओमपुरी और जिमी शेरगिल देखने को मिले थे। अपने समय की ये एक बेहतरीन फिल्म थी जिसकी स्टोरी, म्यूजिक और डायरेक्शन कमाल का था। फिल्म ने उस समय लोगों की खूब तारीफ बटोरी थी, साथ ही फिल्म को लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। आज हम अपने इस वीडियो में इस फिल्म को डिस्कस करेंगे, साथ ही इससे जुड़े फैक्ट्स और कहानियों को भी आपके सामने रखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, माचिस फिल्म की कहानी 80 के दशक पर आधारित है, जब इंदिरा गांधी को अपने ही अंग रक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे सिख समुदाय के प्रति हिंसा और आगजनी का माहौल बन गया था। बदले में सिख समुदाय के भी कुछ लोग हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो गए थे अपना बदला लेने के लिए। माचिस फिल्म इन सिख समुदाय के उन्ही लोगों की मार्मिक कहानी को बयां करती है जो पुलिस और समाज के अत्याचार के खिलाफ बगावत का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार पुलिस एग्रेशन और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल मासूम मर्द और औरतों पर करती है। पुलिस के इस व्यवहार के कारण लोगों की सिंपैथी बगावत और हिंसा के रास्ते पर चल रहे लोगों से हो जाती है। हालांकि फिल्म किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन फिल्म के मेकर्स पर ये आरोप भी लगा है कि उन्होंने फिल्म के द्वारा हिंसा और आतंकवाद को महिमा मंडित किया था। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की दिखाई गई है जो पुलिस के अत्याचार से तंग होकर हिंसक संगठन को ज्वाइन कर लेता है और इस तरह वो एक ऐसे दलदल में चला जाता है जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती है। कुलभूषण खरबंदा और ओमपुरी ने हिंसक संगठन के कमांडर का रोल निभाया है और चंद्रचूड़ सिंह, जिम्मी शेरगिल और तब्बू ने संगठन के सदस्यों का रोल निभाया है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे आप हमारे कहने पर एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस तरह की फिल्में सालों में कभी कभार ही बनती है। दोस्तों, फिल्म का बजट रखा गया था 2 करोड़ और इसने 6 करोड़ के लगभग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और इसे एक एवरेज फिल्म का दर्जा दिया गया था। हालांकि कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसे हिट फिल्म माना था। इस फिल्म के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के कारण काफी कम स्क्रीन पर इसे रिलीज किया गया था। अगर इसे प्रॉपर रिलीज मिलती तो शायद यह फिल्म भी एक सुपर हिट फिल्म का दर्जा पा सकती थी। दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने कवि, लेखक और साहित्यकार गुलजार साहब ने। काफी फिल्मों में डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखने के बाद साल 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म को डायरेक्ट किया था जो थी मेरे अपने, और यहां से गुलजार साहब फिल्म डायरेक्टर के रूप में भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे। गुलजार साहब की एज ए डायरेक्टर कुछ यादगार फिल्में हैं जैसे अचानक, मौसम, खुशबू और अंगूर। गुलजार साहब की डायरेक्ट की हुई 2 फिल्में ऐसी भी थीं जिन पर जमकर विवाद हुआ था। उनमें से एक फिल्म थी माचिस और एक फिल्म थी साल 1975 में आई आंधी, जो एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी जिसे लोगों ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से जोड़ के देखा। हालांकि गुलजार साहब ने इसे एक काल्पनिक कहानी बताया था, लेकिन फिल्म को उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ने बैन कर दिया था। बाद में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आंधी फिल्म से बैन हटाया और इसे टीवी पर भी दिखाया गया। माचिस फिल्म पर भी इंदिरा गांधी के विरोधी रहे सिख समुदाय को महिमा मंडित करने का आरोप लगा था, लेकिन फिल्म को कहीं भी पूर्ण तरीके से बैन नहीं किया गया। हालांकि इस फिल्म का कुछ संगठनों ने काफी विरोध भी किया था। माचिस फिल्म को मलेशिया देश ने बैन किया था क्योंकि वहां की सरकार के हिसाब से यह फिल्म एक समुदाय की भावना को आहत करती थी। माचिस फिल्म के मुख्य किरदार में हमें चंद्रचूड़ सिंह देखने को मिले थे, जिन्होंने अपना दमदार अभिनय का लोहा इस फिल्म द्वारा मनवाया था और उनकी इंटेंस एक्टिंग की सभी ने तारीफ की थी और रातों रात उन्हें एक सफल एक्टर का टैग भी मिल गया था इस फिल्म की वजह से। गुलजार साहब बताते हैं कि मेन हीरो के रोल में उन्होंने चंद्र
चंद्रचूड़ सिंह को इसलिए कास्ट किया था क्योंकि उन्हें चंद्रचूड़ की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव लगी थी और उनकी एक्टिंग को उनकी आंखें और ज्यादा असरदार बना देती हैं। गुलजार साहब ने यह भी बताया कि चंद्रचूड़ सिंह को गंभीर और इंटेंस रोल ही करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो सब रोल करने की कोशिश की जिसके लिए वो बने ही नहीं है। इस कारण उनका फिल्मी करियर जल्दी समाप्त हुआ और एक बेहतरीन एक्टर को हमने खो दिया। माचिस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह वाले रोल के लिए पहले गुलजार साहब जैकी श्रॉफ को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जैकी श्रॉफ ने इस रोल को करने से मना कर दिया था, जिसके दो कारण थे। पहला कारण था जैकी का ये मानना कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनकी फीस नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त जैकी एक सफल और महंगे एक्टर थे। दूसरा कारण था फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें 25 दिन के लिए पंजाब जाना पड़ता, जिस कारण उनकी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में दिक्कत आती। इन सभी बातों की वजह से जैकी श्रॉफ ने फिल्म नहीं की और फिर इस फिल्म में एंट्री हुई चंद्रचूड़ सिंह की। दोस्तों, माचिस फिल्म से एक्टर जिमी शेरगिल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और इस फिल्म में उनका निभाया रोल भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म की वजह से ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी, जो आज तक बरकरार है। इस फिल्म में उनका नाम जिमी दिखाया गया था, हालांकि उनका असली नाम जसजीत शेरगिल है, लेकिन इस फिल्म की वजह से उनका जिमी नाम काफी फेमस हो गया था और बाद में उन्होंने खुद का नाम जसजीत की जगह जिमी ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो आज तक चल रहा है। दोस्तों, जिमी शेरगिल मुंबई आए थे एक एक्टर बनने। वहां उनकी मुलाकात सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह से हुई। उस वक्त मनमोहन सिंह माचिस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे। उन्होंने जिमी को कहा कि वो इस फिल्म में गुलजार साहब के साथ असिस्टेंट के रूप में काम करें, क्योंकि एक्टिंग का रास्ता डायरेक्शन से होके गुजरता है और इसके लिए जिमी शेरगिल तैयार भी हो गए और उन्होंने रेगुलर शूटिंग में आना शुरू कर दिया। जिमी से पहले जो एक्टर ये रोल निभा रहे थे, जब उनके सीन शूट होने वाले थे तब वो शूटिंग पर नहीं पहुंचे। इस कारण गुलजार साहब ने परेशान होकर वो रोल जिमी शेरगिल को दिया और जब पहला सीन शूट हुआ तो गुलजार साहब को यकीन हो गया कि इस रोल के लिए जिमी से बेहतर एक्टर उन्हें नहीं मिल सकता और यहां से एक बेहतरीन एक्टर की बॉलीवुड में एंट्री हुई। दोस्तों, गुलजार साहब की हर फिल्म में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जरूर होता है। इस फिल्म में तब्बू वाले रोल को हम कह सकते हैं कि वो फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण रोल में से एक था और काफी स्ट्रॉन्ग था। आंधी फिल्म में भी सुचित्रा सेन का रोल काफी स्ट्रॉन्ग था और हम कह सकते हैं उस फिल्म की वो हीरो थी। उसी प्रकार माचिस फिल्म में भी तब्बू वाला रोल फिल्म के हीरो वाले रोल की तरह ही था और माचिस फिल्म की हाईलाइट भी यही तब्बू वाला किरदार था। तब्बू ने इस रोल को काफी बेहतरीन रूप से निभाया था और इस फिल्म के बाद भी उन्होंने इस तरह के गंभीर और रियलिस्टिक रोल निभाए थे, जैसे चांदनी बार मूवी वाला रोल, मकबूल फिल्म वाला रोल और हैदर फिल्म वाला रोल। दोस्तों, माचिस फिल्म को उस साल फिल्म फेयर की लगभग 10 से भी ज्यादा कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जहां कुछ कैटेगरी में फिल्म को अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे बेस्ट स्टोरी और डायलॉग्स के लिए गुलजार साहब को, बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर के लिए चंद्रचूड़ सिंह को और फिल्म फेयर आरडी बर्मन म्यूजिक कैटेगरी में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज को। दोस्तों, माचिस फिल्म की बात की जाए और इस फिल्म की म्यूजिक की बात ना की जाए तो यह इस फिल्म के साथ अन्याय होगा। माचिस फिल्म में म्यूजिक दिया था विशाल भारद्वाज ने, जो आगे चलकर फिल्म डायरेक्टर भी बने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में 8 गाने रखे गए थे और फिल्म का हर गाना काफी बेहतरीन था, लेकिन फिल्म के 3 गाने ऐसे हैं जो बहुत बड़े हिट सॉन्ग बने और आज भी सुने जाते हैं, जिनमें सबसे पहला सॉन्ग है चप्पा चप्पा चरखा चले, जिसे गाया था हरिहरन और सुरेश वाडेकर ने। यह सॉन्ग बॉलीवुड के कुछ कल्ट क्लासिक सॉन्ग्स में से एक है। एक और फेमस सॉन्ग है जिसके बोल हैं, छोड़ आए हम वो गलियां, इसे गाया था हरिहरन, सुरेश वाडेकर, विनोद सहगल और केके ने। ये सॉन्ग काफी इमोशनल सॉन्ग है और आज भी उतना ही फ्रेश है जितना साल 1996 में रिलीज के वक्त था। फिल्म का एक गाना पानी पानी रे, जो फिल्माया गया था तब्बू पर और उसे गाया था लता मंगेशकर जी ने, यह भी यादगार गानों में से एक है। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और भूली बिसरी फिल्म के साथ।